शिवानी। आप कौन से एग्ज़ाम देकर आ रही हैं? MA सोशोलॉजी एंट्रेंस। एग्ज़ाम कैसे गया आपका? ईजी, आई थिंक आई फाउंड इट क्वाइट ईजियर, तो मेरा तो अच्छा गया। तो कितने क्वेश्चंस थे किस एग्ज़ाम में? कितने क्वेश्चन करे? नहीं, कितने क्वेश्चंस थे? 100 टोटल। आपने कितने अटेम्प्ट्स किए होंगे? आई अटेम्प्टेड अराउंड 95 to 96। तो 95 to 96 जो आपने अटेम्प्ट किए वो श्योरली अटेम्प्ट किए हैं? यस श्योरली। यस ये पूछा कि आपने जो ग्रेजुएशन की है वो कहाँ से? वो मैंने DU से किया है जी, बैचलर ऑफ आर्ट्स। हाँ जी। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे? यस आई सॉल्वड ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आए थे? आई थिंक 1 or 2, ज़्यादा इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ज़्यादा नहीं आए। तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस वाला इजी था या ये वाला इजी था? आई थिंक प्रीवियस वाला इजी था। इसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर वाला कौन? टाइपा। कौन से एग्ज़ाम देखा है? सोशोलॉजी MA। और कैसे गया आपका एग्ज़ाम? काफ़ी टफ था बट ठीक ठाक गया, मगर काफ़ी टफ। सिलेबस क्या थे? सिलेबस एग्ज़ाम के सिलेबस काफ़ी टफ था, और मतलब ज़्यादातर ऑथर्स और थिंकर्स का ही। तो जो क्वेश्चंस आए थे एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो सिर्फ सोशोलॉजी के भी थे या करंट अफेयर्स भी आए थे, GK भी आए थे, रीजनिंग भी आए थे? जनरल क्वेश्चंस अगर आए होंगे तो थोड़े बहुत आएंगे, मगर मेन सोशोलॉजी का ही था। तो सोशोलॉजी के कितने परसेंट क्वेश्चंस आए होंगे? 90% और मोस्ट ऑफ बाकी GK 10% आए। मतलब हमें तो GK के बहुत ज़्यादा नहीं लगे, मेनली सब सोशोलॉजी के ही थे। सोशोलॉजी के थे। क्वेश्चन पेपर हार्ड था, इजी था? काफ़ी हार्ड था। तो आपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी? तो हमने तो जो है अपनी ओल्ड बुक्स वगैरह ली थी, उससे की थी थोड़ा बहुत। वो हेल्पफुल हुई है? थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। आपने ये मटीरियल नहीं था हमें ऐसा लगा आज। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है? लखनऊ यूनिवर्सिटी। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जी, मतलब MA सोशोलॉजी कितनी कट ऑफ गई है? 60 अबव कुछ थी। तो आपको लगता है कि इससे मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, कितनी कट ऑफ? कह नहीं सकते। बताइए रुपया। पेपर कैसे गया आपका? पेपर ऐसी ही मॉडरेट में था, ज़्यादा अच्छा भी नहीं हुआ, ठीक था। कितने आवर्स के लिए मिले थे पेपर? कितने आवर्स का था एग्ज़ाम? कितने आवर्स का था? कितने घंटे के थे? 1.5 hours। जो 1.5 hours के, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था, लेकिन पता नहीं मॉडरेट था क्वेश्चन लेवल। अच्छा ये बताइए जो ये सिलेबस क्या है इसका, MA सोशियोलॉजी का सिलेबस क्या है? सिलेबस मेन सिलेबस उन लोगों ने अच्छा से नहीं दिया, सिलेबस क्लियरिफिकेशन के साथ नहीं आया। हाँ ऐसे रीजनिंग 25 marks ऐसे ही दिया है, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया उन लोगों ने। फिर भी मतलब ऐसे ऊपर अवाव में कितने कैसे आए थे सिलेबस के? क्या बेसिक्स आए थे? बेसिक्स आए थे। और जो मोस्टली क्वेश्चन थे वो किस में से थे? मोस्टली थिंकर्स से आए। थिंकर्स आए थे। रिसर्च मेथोडोलॉजी। कितने परसेंट होंगे इनके क्वेश्चन? फिर भी अप्रोक्स 10-20। 50% मोस्टली फ्रॉम थिंकर्स। तो आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे 100 में? आई थिंक 80। श्योरली अटैम्प्ट थे सारे क्वेश्चन? नहीं, मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने 80 किया था। तो आपने जो इसकी प्रिपरेशन थी वो कहाँ से की थी? मैंने ऐसे अन्य अकेडमी से भी थोड़ा किया था। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड सोशोलॉजी से नहीं था, सोशल वर्क से था। तो आपने बैकग्राउंड क्या था आपका? सोशल वर्क जी। तो आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। चलिए हम इंशाल्लाह दुआ करेंगे आपका इंटरेस्ट क्लियर। हाँ थैंक यू सो मच।